Very good morning, children. Today, again, we are going to start one more new chapter in our social studies course. That is uh, chapter number 17, and the title of our chapter is Our National Symbols. So, in this chapter, we are just going to learn about what are the symbols that represent our nation. What are the symbols that represent our nation? Let us know more about this. ओके चिल्ड्रेन सो एवरी नेशन विल है अपन जैसा इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्पोर्ट ये सब जब होते हैं अपनी नेशन के लिए एक जैसा अपने स्कूल के लिए एक यूनिफॉर्म होता है अपनी स्कूल को रिप्रजेंट करने के लिए इन द सेम वे एवरी नेशन विल हैव देयर ओन सिम्बल्स To represent that particular nation so in this chapter we are going to learn more about the importance of national symbols what are the um, what are national symbols and what are the various symbols of our country and what is their importance is it okay children so see the first step that is given here identify the picture given below we can see a picture which makes us feel very proud whenever we see चिल्ड्रन कभी भी अपनी फ्लैग को जब देखते हैं एक गर्व महसूस करते हैं अपन सब बिकॉज दिस इज आर फ्लैग आर कंट्री अपनी देश का एक वो देशभक्ति वाली फीलिंग आती ही है अपन को सो जस्ट सी दी दिस वॉट इट इज दिस इज आर नेशनल फ्लैग सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई एंड यू कैन राइट द नेम ऑफ द पिक्चर दैट इज गिवन ओके सो अ ब्लैंक इज प्रोवाइडेड फॉर यू टू फिल सो यू कैन डू दिस नाउ Uh, starting with our chapter let us see what is given here in the first paragraph every country adopts various symbols to represent its identity and creative feeling of unity among its people so children again read this sentence every country means not only a single country each and every country adopts they will have they will take various symbols they used to select various symbols tarah tarah के symbols lete hain for what to represent अपने आप को represent करने के लिए represent representing means उनका अपनी प्रतिनिधित्व करने के लिए for what क्या क्या show करना चाहते हैं वो its identity sub nation का अपना

है ना वी नीड दिस एवरी कंट्री नीड्स टू हैव अ यूनिटी एमंग इट्स ओन पीपल अपनी ही देश के अंदर यूनिटी होना बहुत जरूरी है देन ओनली अ कंट्री कैन डेवलप इन टू ए ग्रेटर नेशन और बड़ी एक अपने देश को प्रगति में अगर और ज़्यादा डेवलपमेंट होना हो तो अपन में यूनिटी होना बहुत जरूरी है सब सिम्बल्स सो so, ऐसा जो सिंबल्स हर कंट्री अडॉप्ट करते हैं किसके लिए इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट इट्स आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिटी शो करने के लिए एंड एक फीलिंग अपने पूरा देशवासियों में एक जैसा फीलिंग लाने के लिए ऐसी सिंबल्स सच सिंबल्स आर नोन एज नेशनल सिंबल्स ऐसी सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा नेशनल सिंबल्स सो व्हाट दिस नेशनल सिंबल्स से टू अस व्हाट दे टेल अबाउट वो अपने लिए क्या क्या बताते हैं या व्हाट दे वांट टू स्पीक दे कैरी वैल्यूज़ ईच एंड एवरी नेशनल सिम्बल दे कैरी वैल्यूज अपनी देश की वैल्यूज़ को ओ, बताते हैं ट्रडिशंस देखो ट्रडिशंस मीन्स वट एवर द कस्टम्स और बिलीफ्स दैट आर देर इन आर कंट्री फ्राम सो मेनी जनरेशन एंड विच आर बींग कैरीड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन मतलब जो भी ट्रडिशंस अपनी कंट्री फॉलो करते आ रहे इतने सालों से और अपनी देश की जो particular values say uh, traditions customs beliefs say and the history of a nation how our country has emerged apni country kaisi thi or kesa emerge hua and how it is going to be developed how it is just going to be a developed nation and what the uh, what the

देश ऐसा है और अपनी देश के लिए कैसा आप गर्व फील कर सकते हो उसके लिए वो एक सिंबल्स हमको अडॉप्ट करके उनके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं इज इट ओके चिल्ड्रेन सो सिंबल्स टेल टेल्स मोर अबाउट द वैल्यूज ऑफ आवर कंट्री कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस व्हिच इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड टू वन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर एंड इवन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन अपनी मदरलैंड की हिस्ट्री भी बताते हैं इंडिया हैज़ मेनी नेशनल सिंबल्स, यस आर कंट्री टू हैज सो मेनी नेशनल सिंबल्स, एंड बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आर कंट्री अपनी कंट्री की अपनी देशवासी होने के प्रति आपको अपनी क्या नेशनल सिंबल है ये जानना बहुत जरूरी है दे रिप्रजेंट इंडियन हेरीटेज एंड गिवस अज अ सेंस ऑफ प्राइड एंड पैट्रियोटिज़म सो ये किस को रिप्रजेंट करते हैं ये सिम्बल्स इंडियन हेरीटेज अपने देश की कल्चर ट्रेडिशंस अपने देश की गर्व को एंड सेंस ऑफ अपन को भी अपनी देश की प्रति एक घरों की फीलिंग महसूस कराते हैं प्राइड वाव मैं इस देश की हूँ है ना मैं इंडियन हूँ ये बोलने में अपन खुद भी कितना क्योंकि अपनी कंट्री की प्रति अपने, अपना अपना फीलिंग वो होती ही है अपनी मदरलैंड की प्रति सो so, वो फीलिंग को आप इस सिंबल्स के थ्रू हम उसको जान सकते हैं कि वो क्या होते हैं एंड इवन वी कैन हैव द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म चिल्ड्रन अंडरलाइन द वर्ड पैट्रियोटिज्म ये पैट्रियोटिज़्म क्या होता है पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति मतलब डिवोशन भक्ति क्या होता है डिवोशन टू सपोर्ट फॉर वंस कंट्री मतलब अपनी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए जैसे बीइंग एन इंडियन इट वी विल हैव ए फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म टुवर्ड्स आर कंट्री अपनी कंट्री की तरफ इसी हर सिटीजन का अपनी कंट्री की तरफ एक पैट्रियोटिक फीलिंग होता है कि अपने देश के प्रति एक भगवान के प्रति हमें कैसा भक्ति होती है इन द सेम वे अपने देश के प्रति भी अपना एक भक्तिभावना जो होता है उसी को हम पैट्रियोटिज्म बोलते हैं अपनी अपनी इन करते हैं अच्छा, इतना बड़ा देश है मेरा मेरा भारत महान ए ये को आप गर्व से महसूस होकर फील कब कर सकते हो जब आपको अपनी मदर लैंड की स्टोरी पता होगा या आपको अपनी मदरलैंड की कल्चर वैल्यूज ट्रेडिशन कस्टम्स बिलीव्स ये सब आपको जब पता चलेगा तो आपको अपने आपको यू कैन फील दैट सेंस ऑफ प्राइड एंड

so children just start with the first one that is the national flag hope everyone could have saw the flag isn't it children from your uh, earlier uh, from your childhood days itself you could have attended one or other um, national festival at your school or uh, you could have uh, uh, seen it somewhere in the tv or somewhere isn't it so at that time you could have saw the national flag of our country so our national flag is a tricolor flag how many colors are there in our flag tricolor three colors so we call it as a tricolor flag it is also known as tiranga tiranga means three ranghe that's why we call it as tiranga because it has three color bands we can see three color bands that is saffron white and green in equal proportion see the word डिवाइड किया ऐसा नहीं कोई एक पार्ट ज्यादा कोई एक पार्ट कम ऐसा नहीं है वी डिवाइडेड आर नेशनल फ्लैग मतलब आर नेशनल फ्लैग तिरंगा इट हैज थ्री बैंडल प्रोपोर्शन दे आर इन पार्ट और देव द इक्वल शेयर द टॉप मोस्ट बैंड इज ऑफ सफरन कलर what the color that we can see एट द टॉप दैट इज़ द सेफरन कलर द सेफरन कलर देखो जब अपनी इंडियन फ्लैग बनाए थे तब एक एक कलर भी सोच समझ के चूज किया है ताकि हर कलर कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं मतलब दे विल द कलर शोस अ मेसेज सो वॉट दैफरन स्टैंड फ़ॉर ये सैफरन कलर क्या बताते हैं हमको इट्सटैंड्स फॉर करेज एंड स्ट्रेंथ करेज मीन्स धैर्य एंड स्ट्रेंथ साहस धैर्य और साहस के चिन्ह हैं ये सैफरेन कलर सो दिस सेफरन कलर इंडिकेट्स द करेज एंड स्ट्रेंथ द नेक्स्ट वन द मिडल बैंड इज ऑफ व्हाइट कलर सेकेंड आफ्टर सेफरन कलर वी कैन सी अ व्हाइट बैंड वॉट दिस बैंड इंडिकेट्स ये अंड हमें क्या बताते हैं दिस स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड पीस सो ट्रूथ सच्चाई और पीस शांति की चिन्ह है ये वाइट कलर की बैंड एंड द थर्ड बैंड इज़ ऑफ ग्रीन कलर विच स्टैंड फॉर फर्टिलिटी ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस सो वॉट द थर्ड वन स्टैंड फॉर ग्रीन कलर जो है ये बैंड इट स्टैंड फॉर फर्टिलिटी फर्टिलिटी मीन्स ग्रोथ ऑफ मोर एंड मोर क्रॉप्स ज़्यादा ज़्यादा क्रॉप्स होना है क्योंकि जिस कंट्री में ज़्यादा क्रॉप्स होंगे तो उस कंट्री में कहीं पर आपको कोई लोग जहाँ खुश रहेंगे जहाँ अच्छे अन्नदान होते हैं तो उधर की हरियाली हरियाली जो छा जाती है उससे लोग खुश कुछ रह सकते हैं सो फर्टिलिटी मीन्स ग्रोथ ऑफ मोर एंड मोर क्रॉप्स क्योंकि इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है तो जितना अच्छा एग्रीकल्चर इधर होएगा जितना ज़्यादा ज़्यादा क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी होगी अपनी देश उतना ही उन्नति में जाएगी कोई भूखा नहीं मर सकते हैं अपने देश में और सब कुछ अच्छा होगा दैट्स वाई फर्टिलिटी मीन्स द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स मोर एंड मोर रिचनेस ऑफ क्रॉप्स क्रॉप्स पूरा हरा भरा रह के पूरा हर जगह अच्छे अच्छे क्रॉप्स होना

सो ऑस्पिशियसनेस इज नथिंग बट सक्सेस ऑस्पिशियसनेस क्या होता है सक्सेस अपनी कंट्री हर सेक्टर में हर आ, हर फील्ड में अच्छा से सक्सेस होते हुए आगे बढ़ते जाने के लिए ये ग्रीन कलर को चूज किया है देखा आपने सिंपली फ्लैग देखते हो तो अरे फ्लैग है तीन कलर है ऐसा नहीं ईच एंड एवरी कलर का अपने एक ओन इम्पोर्टेंस भी है है ना सो वॉट द दैफरन कलर स्टैंड फॉर फॉर करेज एंड स्ट्रेंथ द नेक्स्ट वन मिडिल बैंड इज ऑफ वाइट कलर विच स्टैंड फॉर ट्रूथ सच्चाई और शांति बहुत जरूरी है एक नेशन में होना द थर्ड वन फर्टिलिटी द रिचनेस ऑफ क्रॉप्स ग्रोथ ग्रोथ इन एवरी फील्ड एंड एवरी सेक्टर एंड ऑस्पिशियसनेस सक्सेस सक्सेस इन एवरी फील्ड

ड एट ऑल नेशनल फेस्टिवल्स लाइक इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे सो वेयर वी यूज टू हॉइस्ट दिस नेशनल फ्लैग ये नेशनल फ्लैग को हम कहाँ होइट करते हैं वी यूज टू हॉइस्ट एट ऑल नेशनल फेस्टिवल्स अपनी कंट्री का जो भी नेशनल फेस्टिवल होता है उधर हम ये नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट करते हैं मीन्स नो वॉट आर दॉट यू मीन बाई नेशनल फेस्टिवल्स द फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड ओवर ऑल थ्रू द कंट्री मतलब पूरे देशवासी मिलकर जो फेस्टिवल मना आते हैं उसको नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं सो कैन यू से वॉट आर फ्यू नेशनल फेस्टिवल्स जस्ट लाइक इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे ऐसे जो भी नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं उधर हम ये फ्लैग को होइस्ट करते हैं सो चिल्ड्रन दिस इज ऑल अबाउट आर नेशनल फ्लैग नाउ इन ऑर्डर टू होइ द नेशनल फ्लैग हर कोई कोई भी जगह में कहीं पर भी नेशनल फ्लैग को होइस्ट नहीं किया जा सकते हैं सो इट दे हैव ऑल्सो मेड सम रूल्स फॉर होइस्टिंग आर नेशनल फ्लैग अपने फ्लैग को हॉइस्ट करने के लिए भी हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं लेट इस नो मोर अबाउट दट सटन रूल्स नीड टू बी फॉलोड वाइल हॉइस्टिंग द नेशनल फ्लैग येस इफ एनी बडी इफ समर गोइंग टू हॉइट द नेशनल फ्लैग इन एनी इंस्टीट्यूशन एट एनी ऑफिस और एनी वेयर वॉट दे हैव टू डू देव टू फॉलो फ्यू रूल्स फ्यू गाइडलाइंस वर गिवन बाई द गवर्नमेंट विच शुड भी फॉलोड बिफोर हॉइस्टिंग द नेशनल फ्लैग व्हाट दे वर्क द फ्लैग शुड भी प्रिजर्व केयरफुली हमेशा फ्लैग को बहुत अच्छे से रखना चाहिए प्रिजर्व मीन्स टू बी केप्ट उसको बहुत ध्यान से रखना चाहिए ऐसा नहीं हर जगह में कहीं पे भी फेंक दिया घर पे हमारा मन है ले आया और इधर उधर रख दिया वी कान डू लाइक दैट इट शुड बी केप्ट वेरी केयरफुली एक जगह में अच्छे से उसको रखना चाहिए कई बार flag means वो भी एक क्लॉथ से बना हुआ होता है सो so, कई बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से वो डैमेज होने होने की चांसेस होते हैं सो इफ़ यू फाइंड वेन एवर यू फाइंड ए डैमेज्ड फ्लैग वी शुड नॉट यूज़ इट फॉर होइस्टिंग फ्लैग होइस्टिंग के लिए उसको यूज नहीं करना चाहिए वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन वेल लोअरिंग एंड होइस्टिंग द फ्लैग तो कभी भी लोअरिंग होइस्ट करना मतलब झंडा फारते हैं ना उस टाइम एंड इसको जब लोअरिंग भी करते हैं उस टाइम आपको कभी भी हिलना इधर उधर करना डांसिंग करना ये सब नहीं करना चाहिए बिल्कुल अटेंशन में खड़े होके मतलब यू आर जस्ट शोइंग योर रेस्पेक्ट टूवर्ड्स द नेशन अपनी नेशन की एक वाली चीज है अपनी नेशनल सिंबल सारे तो इनकी प्रति अपन को बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्टली इन अ स्ट्रिक्टिप्लिन मैनर वी हैव टू स्टैंड अ पोजीशन ऑफ अटेंशन अटेंशन होके बिल्कुल सीधे खड़े होके फ्लैग की हॉइस्टिंग और लोअरिंग टाइम पे आपको रहना पड़ेगा द फ्लैग शुड बी हॉइस्टेड ओनली बिटवीन सनराइज एंड सनसेट सनराइज होने की बात एंड सनसेट से पहले ही बिटवीन दिस टाइम ने किसी को मन हुआ रात को करेंगे इधर नो इट इज नॉट यू विल नॉट बी अलॉड टू डू दिस वी शुड नॉट डू दिस वी हैव टू वॉइस द फ्लैग ओनली बिटवीन सनराइज एंड सनसेट सनराइज होने के बाद एंड बिफोर सनसेट वी कैन डू दिस द दैफर बैंड ऑफ द फ्लैग शुड ऑलवेज बी ऑन द टॉप ओके नो प्रॉब्लम थ्री कलर्स है और ये भी हमें पता है दे आर इन इक्वल प्रपोर्शन सो वाई कैंट वी कीप इट फ्रॉम अप टू डाउन पोजिशन नो ऑलवेज ये रूल है कि ग्रीन कलर कभी नहीं होना है ऊपर ऑलवेज द सेफरन कलर द सेफरन बैंड ऑफ द फ्लैग फ्लैग की सेफरन बैंड हमेशा टॉप पोजीशन में होना है

Is it okay, children? This is all about the national flag, one of the first, star, uh, the one of the national symbol of our country. So just go through the uh, topic till here, okay? Rules for hosting the national flag. So after listening the video, kindly go through your uh, book also and read the chapter. Thank you.